देश में 35 शहरों में बनेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। घटेगी माल ढुलाई की कीमत और समय। सस्ता होगा सामान, कम होगी महंगाई। बूस्ट होगा लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। व्यापारियों को तोहफा, युवाओं को मिलेगा रोजगार। नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट और रेलवे नेटवर्क को बेहतर करने के साथ सरकार अब लॉजिस्टिक सेक्टर पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बना रही है। सरकार मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है, लेकिन ये लॉजिस्टिक पार्क के बिना संभव नहीं होगा और इसीलिए 2021 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय समेत 16 मंत्रालयों को शामिल कर देश में मल्टी मोड कनेक्टिविटी में सुधार करने और देश भर में लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम शुरू किया गया। देश में इंडस्ट्री को अधिक प्रभावी और लचीला बनाने के उद्देश्य से 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी शुरू की गई। इसके तहत देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का टारगेट रखा गया। इस लिस्ट में जम्मू, सोलन, भटिंडा, दिल्ली, जयपुर, कोटा, इंदौर, भोपाल, राजकोट, नासिक, मुंबई, पुणे, पणजी, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोचीन, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, रायपुर, कोलकाता, पटना और जोगीघोपा जैसे शहरों के नाम शामिल हैं। असम में गुवाहाटी के पास जोगीघोपा में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। चेन्नई के लिए बिड बुलाई गई है। इंदौर, नागपुर समेत 4 जगहों पर अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। मुंबई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम समेत 6 लोकेशन के लिए DPR तैयार हो रही है। बाकी 24 जगहों के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी का काम चल रहा है। सरकार ने 2025 तक 15 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार करने का टारगेट रखा है। मल्टी मॉडल यानी कि ये लॉजिस्टिक पार्क नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे और वाटरवे से कनेक्ट होंगे। इससे पार्क में बड़े पैमाने पर वाहनों की आवाजाही हो पाएगी और व्यापारी अपना माल देश के किसी भी कोने में बड़ी आसानी से पहुंचा पाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी ये लॉजिस्टिक पार्क किसी वरदान से कम नहीं होंगे। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से बन रहे इन पार्कों में वाहनों की मरम्मत से लेकर गैराज के साथ ही मजदूर ड्राइवर्स के लिए रुकने के लिए होटल और ढाबे की सुविधा भी होगी। ये सभी पार्क PPP मॉडल पर बनाए जाने हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से माल ढुलाई के खर्च में कमी आएगी, जिसके कारण महंगाई पर भी लगाम लगेगी। मौजूदा समय में लॉजिस्टिक कॉस्ट करीब 14% आ रही है, लेकिन MMLP बनने के बाद ये लागत घटकर 8-9% तक आ सकती है। भारत में अभी ट्रक के जरिए ज्यादातर माल को बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि भारत में लॉजिस्टिक नेटवर्क नहीं है। लेकिन सरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला परियोजना जैसे प्रोजेक्ट के जरिए एक सिस्टम तैयार कर रही है। भारत के 9 राज्यों में ही बंदरगाह है, लेकिन इंडस्ट्री अंदर के राज्यों में है। ऐसे में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के जरिए माल जल्दी से मंजिल तक पहुंचेगा। मेक इन इंडिया के कारण भारत अब धीरे धीरे वर्ल्ड फैक्ट्री बन रहा है, लेकिन लॉजिस्टिक नेटवर्क की कमी ने पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी, लेकिन अब भारत उसे तोड़कर उड़ने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।